और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और गार्डनिंग को एन्जॉय भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ अपने ड्रेसिना की जो वैरायटीज़ मेरे कलेक्शन में हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे कलेक्शन में इस टाइम 7 वैरायटी के ड्रेसिनाज हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं जो आने वाली हैं वो आपको सबसे पहले नोटिफाइड हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा ड्रेसिना कलेक्शन, आप देखिए कैसे हैं मेरे प्लांट। मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताऊंगा, इनके नाम भी बताऊंगा, और लगभग आपको कितने प्राइजेज में आपके पास, आपके आसपास जो नर्सरीज हैं वहाँ पे मिलेंगे उनके बारे में भी बताऊंगा। देखिए कितने सुंदर प्लांट्स हैं। तो ये है मेरे ड्रेसिना कलेक्शन में से पहला प्लांट, इसे ड्रेसिना फ्रेग्रेंस कहते हैं, और ये इसका वेरीगेटेड वाला प्लांट है मेरे पास। और ये अभी लगभग एक हफ्ते पहले मैंने इसको परचेज़ किया था, और आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको इसीलिए रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि अभी ये मेरे यहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट हो सके, उसके बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। और ये जो प्लांट है काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है, और देख सकते हैं आप इसके लीव्स का जो वेरिएशन है कितना अच्छा है। और अगर अब मैं बात करूँ इसकी प्राइजेस की, तो आपके आसपास जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पर डिपेंड करता है इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो जो मैं ये प्लांट लेकर आया था ये तो मुझे बहुत सस्ता मिल गया, लगभग 30 रुपीज़ का मुझे मिला ये, और लगभग ये 50 से 60 रुपये में आपको ये साइज़ आपको मिल जाएगा आप किसी भी नर्सरी पर अगर लेने आते। और अगर ये थोड़ा बड़ा प्लांट लेंगे तो डिपेंड उसका लगभग जो प्राइस है लगभग 100 रुपीज़ तक आपको ईज़िली मिल जाएगा, और काफ़ी ईज़िली मिल जाता भी है ये प्लांट। ठीक है, तो फिर मैं आपको अगला प्लांट दिखाता हूँ। तो ये है मेरे ड्रेसिना कलेक्शन में से दूसरा प्लांट, ये है ड्रेसिना मैसूर की वेरीगेटेड वैरायटी। और इसकी ज़रा आप लीव्स का ज़रा आप फॉयलेज देखेंगे तो कितना देख सकते हैं कितना कलरफुल है, इसमें ग्रीन पिंक और काफ़ी येल्लो सा टेक्सचर आप देख सकते हैं इसकी लीव्स में, कितना सुंदर वेरीगेशन है। और ज़रा आप इसके स्टेम को भी देख सकते हैं, पिंकिश कलर लिए हुए डार्क। तो ये भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही परचेज़ किया है, साथ ही लाया था मैं अभी जो मैंने आपको प्लांट दिखा उसी के साथ, और इसे भी मैं आगे रिपोर्ट करूंगा। और ये जो प्लांट है काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे भी नर्सरीज पे मिल जाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे 50 रुपये का ख़रीदा था, और लगभग 50 से 60 रुपये में आपको ये कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अगला प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ फिर। तो दोस्तों ये है मेरे कलेक्शन में से थर्ड प्लांट, ये है ड्रेसिना मैसूर, इसे बेबी डॉल भी कहते हैं, ड्रेसिना बेबी डॉल। तो ये उसकी ड्वार्फ वैरायटी है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो बड़े पत्तों वाली वैरायटी है, ये स्मॉल लीव्स वाली है। तो देख सकते हैं इसका कलर वेरिएशन भी आप कितना अच्छा है, और ये बिगनर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लांट है। ये जितने भी मैंने ड्रेसिनाज आपको दिखा रहा हूँ ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जो अभी गार्डनिंग को शुरुआत कर रहे हैं गार्डनिंग की, वो इनको ईज़िली अपने कलेक्शन में ऐड करें, और बहुत ईजी टू केयर प्लांट हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट है लगभग इसका जो प्राइस है लगभग ये भी आपको 50 से 60 रुपये में इजीली किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा। मैंने इसको लगभग 40 रुपये में ख़रीदा था, और ये लगभग मेरे यहाँ 5 से 6 महीने इसको हो चुके हैं, और इसकी देख सकते हैं न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो चुकी है, हम देखिए छोटी छोटी भी। ये भी मेरे यहाँ थोड़ा सा शेडी एरिया में था, तो उसकी वजह से क्या हुआ इसकी जो पत्तियाँ आती हैं वो थोड़ी छोटी हो गई, अब मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है, तो अब धीरे धीरे इसकी जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी और ये थोड़ा सा कल ले लेंगी, मुड़ने लगेंगी। तो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना इस प्लांट के बारे में। ठीक है, तो अगले प्लांट दिखाता हूँ फिर। तो दोस्तों ये है मेरा फोर्थ ड्रेसिना प्लांट, और ये है ड्रेसिना मार्जिनाटा, काफ़ी फेमस प्लांट है ये भी, और इसकी दो वैरायटी मार्केट में आपको मिलेंगी, एक आती है इसमें ग्रीन पेटल में और एक आता है आपका ये मल्टी कलरफुल प्लांट पेटल्स में। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके मल्टीपल कलर्स हैं, इसमें येलो भी है हल्का सा, और रेड कलर भी है, और आपका ग्रीन तो है ही, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी पतली पतली होती हैं, और काफ़ी बहुत
खूबसूरत लगता है। और ये प्लांट अगर आप मैं बात करूँ इसके प्राइजेस की, तो लगभग ये भी आपको लगभग 50 से 60 रुपए, लगभग जो ड्रेसिनास की जो नॉर्मल प्राइसिंग है वो लगभग 50 से 60 रुपए ही आपको इजीली किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा, क्योंकि तो इसका प्रोपेगेशन बहुत इजी होता है, काफ़ी इजीली ये प्रोपेगेट हो जाता है। इसे इजीली आप कटिंग से लगा सकते हैं, आप कटिंग लगाइए, और इस टाइम जो रेनी सीज़न चल ही रहा है तो आप इस सीज़न में लगाएंगे तो बहुत ईजिली प्रोपेगेट हो जाएगा। और देख सकते हैं ज़रा इसकी लीव्स, आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये प्लांट। तो ये जो प्लांट है, मैंने आपने अगर मेरा इंट्रो देखा हो और तो उस इंट्रो में आप देख सकते हैं मैंने इसको दिखाया है उसमें, तो आप उसे देखना, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप ज़रूर देखना मेरे इंट्रो को, ठीक है। तो अगला प्लांट फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये है फिफ्थ प्लांट मेरे ड्रेसिना कलेक्शन में से, तो देख सकते हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, और ये है ड्रेसिना मैसूर पिंक। तो ये जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मैच्योर प्लांट हो जाता है, तो ये इसके ऊपर की जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल डार्क पिंक कलर की हो जाती हैं। तो अभी तो मेरा ये एक छोटा प्लांट है, मगर जैसे जैसे बड़ा होगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, और इसकी जो लीव्स हैं बिल्कुल डार्क पिंक कलर की हो जाती हैं, तो बहुत प्यारा कलर आता है इसमें, देख सकते हैं जो इसकी लीव्स हैं कितनी सुंदर हैं, देख सकते हैं। और तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये भी लगभग 50 से 60 रुपए का आपको इजीली किसी भी नर्सरी पे मिल जाएगा, और बहुत इजी टू केयर प्लांट है। बस इसको आप थोड़ा सा ब्राइट लाइट दीजिए, डायरेक्ट सनलाइट ये थोड़ा टॉलरेंट करता है, ये इजीली नहीं झेल पाता है उसको, इसकी पत्तियां जल जाती हैं, तो इसे आप ब्राइट लाइट एरिया में रखिए जहाँ पर इसे मॉर्निंग की लगभग 2 से 3 घंटे की ब्राइट लाइट मिले, तो आप लगाइए। और बिगनर्स के लिए मैंने पहले जैसा कि बताया बहुत इजी टू केयर प्लांट हैं, बिगनर्स इन्हें आप कलेक्शन में ज़रूर ऐड करें और गार्डनिंग को एंजॉय करें। तो फिर मैं आपको अगला प्लांट दिखाता हूँ ड्रेस। तो दोस्तों ये है मेरे ड्रेसिना कलेक्शन में से 6 प्लांट 6 वैरायटी। तो ये जो है ये है ड्रेसिना फ्रेगनेंस ग्रीन, जो मैंने अभी आपको प्लांट दिखाया था फर्स्ट नंबर पे, वो भी ड्रेसिना फ्रेगनेंस ही था, बट वो कौन सा था, वो था हमारा वेरीगेटेड ड्रेसिना फ्रेगनेंस। तो ये जो प्लांट है, ये आपने अगर मेरी जो शॉपिंग वीडियो थी अभी लास्ट, जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो, उसमें मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज़ किया था, तो अब मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है इसको। और ज़रा आप इसकी ज़रा शेप देखिए, आप इसका साइज़ देखिए, काफ़ी एक मैच्योर प्लांट है, और ये मुझे काफ़ी सस्ता भी मिल गया था, बट अगर आप लेने जाएंगे नर्सरी पे तो लगभग इतने बड़े साइज का ड्रेसिना और इतना मैच्योर प्लांट आपको लगभग 100 से 150 रुपये में आपको मिलेगा, बट मुझे यहाँ पर ये 70 रुपये का मिल गया, इसीलिए मैंने फटाफट इसको ख़रीद लिया था। और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, जरा आप देख सकते हैं इसका, इसमें कलर्स तो नहीं है मगर हाँ ये ग्रीन कलर का होता है, और ये बिल्कुल सीधे चलता है, और इसका जरा आप ये स्टेम देखेंगे कितना मैच्योर है, तो ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है प्लांट। बाकी फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना 7th प्लांट। तो ये है मेरे ड्रेसिना कलेक्शन में से एक और वैरायटी, और इसे कॉमनली हम लोग जानते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। इसकी दो वैरायटीज़ आपको आसपास जो नर्सरीज हैं वहाँ पर मिलेंगी, एक आती है येलो पैटर्न में और एक आती है ग्रीन। तो मेरे पास इस टाइम येल्लो वाली नहीं है, मेरे पास अभी ग्रीन है। तो देख सकते हैं ये मेरा सबसे ओल्ड प्लांट, और लगभग इसकी जो हाइट है लगभग 8 फीट के आसपास हो चुकी है, ये लगभग मेरे से भी ऊंचा जा चुका है। तो आप देख सकते हैं ज़रा इसकी ग्रोथ, और लगभग ये 6 से 7 साल पुराना मेरा प्लांट है ड्रेसिना का। इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया कॉमनली हम लोग जानते हैं, नर्सरी वाले इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया बताते हैं, और मगर ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। तो ज़रा देख सकते हैं इसकी हाइट, और लगभग इस हाइट के मेरे पास लगभग 2 या 3 प्लांट हैं, और लगभग टोटल अगर मैं बात करता हूँ इसके प्लांट की, तो मेरे पास इस टाइम लगभग 5 से 6 प्लांट इसके अवेलेबल हैं। तो देखिए ज़रा कितना अच्छा पैटर्न है और कितनी अच्छी ग्रोथ है, बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर की इसकी लीव्स हैं। तो काफ़ी ईजी टू केयर प्लांट है, इसकी मैंने एक प्लांट परचेज़ किया था लगभग 6 से 7 साल पहले, और उसी की कटिंग्स को मैंने ग्रो कर लिया। उसकी कटिंग को आप कट करिए और इजीली इसी के आसपास आप लगा दीजिए गमले में, आप वो इजीली प्रोपेगेट हो जाएगी। तो बहुत इजी टू केयर प्लांट होता है, आप इसे अपने कलेक्शन में ऐड करिए ज़रूर। तो दोस्तों ये था मेरा ड्रेसिना कलेक्शन, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप मुझको ज़रूर बताना, और कौन सा ड्रेसिना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी आप ज़रूर बताना, और अभी और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ग्रीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।